नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें एक कमेंट मुझे दिखा। एक्चुअली वो वीडियो कमेंट पे ही था, तो उसमें था कि सर हम लोग का एडमिशन हो गया है, हम लोग अब कहाँ रहें और कब तक हमें बीएचयू आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज़ ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन फाइनली बीएचयू में हो गया है या और भी विश्वविद्यालय में होने की उम्मीद है, ठीक है। और अभी पोस्ट ही मैं देख रहा था तो मेरा अभी कुछ दिन पहले बर्थडे था तो बहुत सारे बच्चों ने विश किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं आपको दो तीन पॉइंट काउंट करा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उस पॉइंट्स को अच्छे से सुने। आपका एडमिशन अगर हो गया है तो आप सबसे पहले पता है क्या सोच रहे होगे कि हमें हॉस्टल कब मिलेगा, सबसे ज़्यादा ये सोच रहे होगे। हॉस्टल आपको अभी अलॉट नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज में हॉस्टल अलॉटमेंट चालू हो गया है, जैसे एग्रीकल्चर भी, LLB, लेकिन सबको नहीं, किसको, PH वालों को, बच्चे को सबसे पहले हॉस्टल देते हैं, क्योंकि PH के बच्चे जो होते हैं वो दिव्यांग होते हैं और उनको हॉस्टल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनको 100% हॉस्टल दिया जाता है। बाकी बच्चों के जो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होती है, यानी आपके साथ में जो 3 दोस्त हैं उसमें एक ही को हॉस्टल मिलेगा, और लड़कियों को तो शायद गिन के 10-15 लड़कियों को हॉस्टल मिले। तो ऐसे में मैक्सिमम बच्चों को जो है वो अलग जाके रहना है, उनको अलग से हॉस्टल लेना है, मेरी बात समझ रहे हो, उनको अलग जाके हॉस्टल लेना है, मींस कि उनको बाहर जाके डेलीगेसी में खुद से जाके अरेंजमेंट करने हैं। तो अब कमेंट ये आएगा कि सर हम लोग कहाँ रहें, उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन सोचा है, आपको मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ और मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक टी शर्ट वाला, एक हॉस्टल वाला, आप लोग उसको पहले ज्वाइन कर लो, जिससे कि अगर आपको टी शर्ट चाहिए, क्योंकि इसका भी कमेंट था कि सर हमें BHU का टी शर्ट चाहिए, तो BHU का अगर टी शर्ट चाहिए तो आप लोग उसको ज्वाइन करो। अगर मुझे लगा कि एक ही फैकल्टी के 100-150 बच्चे हैं तो मैं टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए एक को हायर कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग टी शर्ट बनाते हैं और ज़्यादा अगर रहता है टी शर्ट तो उसकी प्राइस बहुत कम आ जाती है, तो कोई अच्छी सी क्वालिटी जैसे BHU वाला है, जैसे ये वाला है, तो ये तो नॉर्मल है क्योंकि इसको ब्लेजर के ऊपर पहनना रहता, अंदर पहनना रहता है, बाकी कॉलर वाले होते हैं आजकल तो ट्रैक सूट पे भी आते हैं, तो जैसा भी आपकी पसंद होगी वो मैं आपको बता दूंगा, तो फर्दर उसके लिए हम लोग सेपरेट बात कर लेंगे। अभी बात आती है सर हॉस्टल का क्या करें। आप लोग अगर इमीडिएटली अगर आ रहे हो BHU अब, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अब आने लगे हैं, तो ऐसे में आप यहाँ आने के बाद 1 महीने के लिए आसपास के लोकेलिटी में कहीं भी हॉस्टल या लॉज ले लो 1 महीने के लिए, क्योंकि अभी आपकी होनी है दोस्ती, आपकी दोस्ती यारी जब हो जाएगी तो ऐसे में आप उनके साथ सेटल होना चाहोगे। हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो काफ़ी अच्छे जगह रहता हो और उसके यहाँ सीट खाली हो तो आप उसका सेटल हो जाओगे। तो अभी आप लोग ये मत सोचो कि मैं परमानेंट यहाँ पे फिक्स हो जा रहा हूँ, आप लोग बस टेम्प्रोरी वहाँ पे हॉस्टल ले लो। ऑनर को मत बताना कि बस 1 ही महीने के लिए ले रहे हैं, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि अरे यार 1 महीने के लिए इसको क्यों दें, हम परमानेंट वालों को देंगे। तो आप लोग बस उसको बोलो मुझे रूम लेना है या हॉस्टल लेना है, 1 महीने के लिए सेटल हो जाओ, अपना जो लगेज है, जो पैकिंग है उसको खोलना मत, 1-2 किताब निकाल लो, रफ कॉपी निकाल लो, और कॉलेज चालू हो जाता है कॉलेज जाना शुरू कर देना, सामान पैक करके रखो। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे फाइनल सेटल यहीं होना है या कहीं और होना है, तब बकायदा अपना रूम सेटअप, अपना टेबल, अपना बेड, अपना बुक, सब एवरीथिंग जो भी आपका है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप अरेंज कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ कि आप हॉस्टल के लिए लड़कियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मुझे गोरखपुर से एक कॉल था एक सर का, वो DM के कुछ थे, मतलब स्टोनो थे या फिर नॉट क्लियर, तो वो कुछ थे, उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला कराया है BHU में, तो वो बोल रहे थे कि सर आपका वीडियो जो है वो बहुत ग्राउंडेड लगता है, इवन उतना ही नहीं, उन्होंने अपने यहाँ के DM को मेरा वीडियो भी दिखाया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग के कमेंट और कॉल से इतना आइडिया लग गया कि आप लोग हॉस्टल के लिए परेशान हो, तो लड़कियों को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी सेम इसी डिफिनेशन को फॉलो करना कि सबसे पहले 1 महीने के लिए कहीं भी ना आसपास में देख लेना, जब आपकी दोस्ती यारी हो जाए किसी दूसरे लड़की से तो फिर आप उसके साथ सेटल हो जाना। ध्यान देना, दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के करना, बहुत सोच समझ के, ऐसा ना हो आप ऐसे दोस्त बना लिए कि आपको पढ़ना है 12 बजे तक और आपका जो पार्टनर है उसको सोना है 10 बजे ही, अब वो बोलेगा लाइट ऑफ करो, रूम तो एक ही है, क्योंकि भाई लाइट से कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो कन्विंस कैसे करोगे,
फिर दूसरा हो जाता है साथ में मिलके भोजन बना रहे हो, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन है, फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा एक ही रूम में वेज और नॉन वेज दोनों बन रहा है। तो आप लोग दोस्ती यारी बहुत सोच समझ के करना, ठीक है, और वैसे दोस्ती हो जाती है, इतना सोचता कौन है दोस्त की किसको बनाना है, वो तो फर्स्ट साइट में जो मिलता है जनरली वो दोस्त हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे जाके अगर दोस्ती करोगे, या ये नहीं है कि मतलब आज ही दोस्ती हुई और आज ही एकदम ओपन हो गए, हाँ भाई मैं ये हूँ और मेरा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे ये, धीरे धीरे आप उसको जानो, धीरे धीरे वो आपको जाने, फिर वो दोस्ती का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इसलिए मैं दोस्ती अच्छा बोल रहा हूँ अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, सोशली हेल्प करेगा, मेंटली हेल्प करेगा, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्ती, बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है, क्योंकि आप दूर आ रहे हो, आपका जो मदद कोई करेगा तो वो आपका दोस्त ही करेगा, ना ही यहाँ का कोई दूसरा आदमी जाके आपका मदद करने वाला है, हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हॉस्टल के लिए परेशान मत हो, अभी आप कहीं भी कुछ भी देखो और वहाँ पे सेटल हो जाओ, बाकी अगर चाहते हो कि नहीं सर आप ही हॉस्टल देख लो कहीं बता दो, तो आप लोग वो हॉस्टल वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं कुछ हॉस्टल के यहाँ के लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और बाकी बाद में आप लोग उसको चेंज कर लेना। उसी तरीके से मैंने टी शर्ट वाला ही बता दिया आपको। अब आता है एक कॉमेंट था कि लॉक वाला क्या करें, आप लोग ध्यान दो कि आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं BHU में जैसे BLLB हो गया, एग्रीकल्चर, इन लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास वगैरह वगैरह नोटिफिकेशन इनका आ गया, वो चालू हो गया है, आपको देखो ध्यान देना, इसी दरमियान कुछ ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा लड़कियों को, कुछ हो सकता है आपके नंबर्स इधर उधर चले जाएं, आपको परेशान करें, तो थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन मैंने जो नोटिस करी है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे केसेज होते हैं। ध्यान देना कहीं भी आपको कहीं कोई प्रोफेसर पैसा नहीं मांगता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे क्लास को लेके पैसा मांगा जाए, ऐसा कुछ दिमाग में आया, ऐसे भी केसेस कभी कभी सुनने मिले। एक और केस आता है वो ये है कि सर हम लोग की जो क्लासेज जो हिंदी में चलेंगी कि इंग्लिश में चलेंगी, आपकी क्लासेज देखो बोथ लैंग्वेज में चलती हैं, वो आपकी च्वाइस पे है कि आप क्लास किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, समझ रहे हो मेरी बात, वो वहाँ पे सेक्शंस बने होते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें पूरी क्लास इंग्लिश में ही चलती है, जनरली बीए आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों सेक्शन है, आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिए हो तो आप हिंदी क्लास नहीं कर सकते हो, आप क्लास का लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट्स का लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों अलग है सेपरेट है, ये कन्फ्यूजन भी मत रखना, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश लिया है तो आप क्लास इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, आपने हिंदी लैंग्वेज लिया है तो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्टिंग के एक साल फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में करना अगर हिंदी वाले बच्चे हो तब, बाकी आगे से अपना इंग्लिश में करने लगना, और जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है कि वो इंग्लिश में ही चूज करेंगे, ठीक है, ये दो चीजें रही, और बाकी कमेंट करना, और जिनको जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप मैसेज नीचे है उस पर आप मैसेज करके, ध्यान देना मैसेज करके आप पूछ सकते हो। BHU पाठशाला का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी ज्वाइन करना है वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और हम लोग का एक नया चैनल है ध्यान देना, ठीक है, ये है नीर दर्शन, आप इस पोस्ट पे जाना, इस पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा नीर दर्शन, अभी 618 सब्सक्राइबर है, आप अगर सेलेक्ट हो गए हो तो आप अब आगे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसपे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और यहाँ से आप लोग आगे BHU पाठशाला से जुड़े रह सकते हो। तो मुस्कुराते रहें, होपफुली आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एक दो कमेंट्स और आ रहे हैं सर एफिलेटेड अच्छा है कि मेन कैंपस, एक दो कमेंट्स ऐसे आते हैं कि एफिलेटेड के बच्चे मेन कैंपस का जो फैसिलिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं, देखो कभी कभी तो एफिलेटेड के बच्चे आके घूम सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी आपका मन हुआ तो आप लाइब्रेरी में भी आके घूम सकते हो, कभी कभी आपका मन हुआ तो आप आके यहाँ का कोई दूसरा फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो, बट हमेशा तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसा लीगल अथॉरिटी नहीं है, एफिलेटेड की बात कर रहा हूँ, बाकी एफिलेटेड में खुद आपकी सुविधाएं रखी गई, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड आपके यहाँ मिल जाएगा, मेडिकल की कुछ खास चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, और यहाँ भी मेडिकल आपके अपना इलाज करा सकते हो, यहाँ पे जो सुंदरलाल जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ आके अपना इलाज करा सकते हो, भगवान करे ऐसी नौबत आए ही ना कि आपको इलाज कराना पड़े। और एफिलेटेड बहुत अच्छा है, आप लोग का एडमिशन जहाँ मिल जाए वहाँ बेहतर करने की कोशिश करना, ये दिमाग में मत लेके चलना, क्योंकि जनरली जो एफिलेटेड की लड़कियाँ होती हैं वो कई सालों तक इसी में कन्फ्यूज रहती हैं कि मेरा FMC नहीं हुआ, मुझे MMB नहीं मिला,
प्लीज ऐसा अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर मेरे से एक बार डाउट अपना क्लियर कर लेना। मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि कम से कम आने वाला 3 साल आप लोग एकदम लंबी सांस लेके पढ़ाई मन लगाओगे, ये नहीं रट लगाओगे कि मेरा FMC नहीं हुआ। एक दो बच्चों का तो ऐसा भी मैसेज आया मेरे को कि उनका पड़ोसी उन्हें कह रहा है कि यार तुम्हारा तो मेन कैंपस में नहीं हुआ। तो अपने पड़ोसी को मारना तमाचा, बोलना भाई तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, ठीक है। हाँ, पहले अपना भविष्य तू देख ले, मैं अपनी जगह बहुत बेहतर हूँ, BHU में हुआ है इतने से मुझे खुशी है। तो बाकी बहुत सारी बातें होते रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करना, और बाकी इंस्टा पे आप फॉलो जाके वहाँ मैसेज कर देना, तो आपके मैसेज तुरंत पिकआउट हो जाएंगे, व्हाट्सअप कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हरे हरे महादेव, ऑल द बेस्ट।